कुछ दिन पहले हम लोगों ने रॉबर्ट वाड्रा जी की 5 कंपनियों के कागज देश के सामने रखे थे और ये दिखाया था कि किस तरह से रॉबर्ट वाड्रा जी को डीएलएफ से ढेरों फायदे दिए जा रहे हैं, किस तरह से रॉबर्ट वाड्रा जी की 50 लाख रुपए की दौलत बढ़कर 300 करोड़ रुपए हो गई 3 साल के अंदर। तो हमसे एक प्रश्न पूछा गया कि भाई हरियाणा सरकार ने डीएलएफ को क्या क्या फायदे पहुंचाए। अब हम कोई जांच एजेंसी तो है नहीं, हमारे पास कोई जांच की प्रक्रिया भी नहीं है, उसके बावजूद एक हफ्ते के अंदर इस देश की आम जनता ने, मैंगो पीपल ने बहुत सारे एविडेंस, बहुत सारे सबूत भेजे हैं और उन्हीं सबूतों के ये जो हमारे पीछे साथी खड़े हैं, ये सारे मानेसर के, वजीराबाद के और गुड़गांव के कई इलाकों के किसान हैं जिनकी जमीनें गई हैं, इन सब लोगों ने सबूत दिए। हम लोगों इस देश की जनता जो त्रस्त है इन पावरफुल, इन शक्तिशाली लोगों की वजह से, इन सब लोगों ने सबूत दिए हैं और वही सबूत आज हम आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न कि क्या हरियाणा सरकार और डीएलएफ के बीच में किसी तरह का नेक्सस है, किसी तरह की सांठगांठ है, किसी तरह का रिश्ता है। ये साबित होता है इस बात से, ये हम नहीं कह रहे कि दोनों के बीच में रिश्ता है, ये पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने बोला है कि डीएलएफ के और हरियाणा सरकार के बीच में एक मैलाफाइड नेक्सस है। गुड़गांव में 30 एकड़ जमीन थी, उसके ऊपर अस्पताल बनना था। ये उस अस्पताल के बनने की नोटिफिकेशन है कि ये अस्पताल बनना था, ये अभी अभी कॉपी आई है 5 मिनट पहले। ये सबूत इतने आ रहे हैं हम लोगों के पास चारों तरफ से, हर मिनट 10 मिनट हमारे पास सबूत आ रहे हैं। ये अभी 5 मिनट पहले कॉपी आई है कि 30 एकड़ जमीन पे अस्पताल बनना था। हरियाणा सरकार ने अस्पताल बनाने की बजाय डीएलएफ को 7 मार्च 2007 को, 9 मार्च 2007 को परमिशन दे दी कि आप अस्पताल की बजाय इस पे एससीजेड बना लीजिए। ये लोग सब दुखी हो गए, हाईकोर्ट गए और पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने ना केवल उस एससीजेड को कैंसिल कर दिया पर हरियाणा सरकार के बारे में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने क्या कहा, ये गौर करने वाली बात है। द एपोर्टेड फैक्ट्स अलोन आर इनफ टू एस्टैब्लिश द नेक्सस ऑफ मेसर्स डीएलएफ लिमिटेड विद द गवर्नमेंट टू ग्रैब द प्रॉपर्टी इन क्वेश्चन। कि ये साफ साफ इस केस के सारे तथ्य साफ साफ जाहिर करते हैं कि हरियाणा सरकार और डीएलएफ के बीच में एक नेक्सस है, एक गलत किस्म का सांठगांठ है। In fact, the subsequent facts of granting necessary approvals for setting up SEZ was an attempt to cover the whole malafide action of government of Haryana. There was a nexus between the government and the respondents number 4 and 5, which is DLF, to grab the land in question, and everything was facilitated to give the same a legal law. It is not understandable as to why the state of Haryana is showering favor on DLF. In any case, it has been proved that the power of acquisition has been used फॉर अ कलरेबल पर्पज। ये जमीन जो है ये गलत उसके लिए एक्वायर की गई है, पब्लिक पर्पज का नाम देके इन्होंने गलत एक्वायर की है, ऐसा पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट कह रहे हैं। इवन दिस कोर्ट इन CWP नंबर 1620 ऑफ 2010 हैज फाउंड दैट द लैंड इन क्वेश्चन इन दैट केस ऑल्सो वॉज एक्वायर्ड ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ पब्लिक पर्पज विद द रियल ऑब्जेक्ट ऑफ हैंडिंग इट ओवर टू डीएलएफ। एक और केस की बात कर रहे हैं, उसमें भी डीएलएफ को जमीन दे दी थी इन्होंने और वो भी गलत दी थी, पंजाब और हरियाणा का कोर्ट ने उसको भी कैंसिल कर दिया था। इन द एपोर्टेड जजमेंट दिस कोर्ट ऑल्सो ऑब्जर्व दैट द स्टेट एंड इट्स ऑफिसर्स आर टिल्टेड इन शावरिंग फेवर्स ऑन द डीएलएफ। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के ये शब्द जो है ये साफ साफ जाहिर करते हैं कि हरियाणा सरकार और डीएलएफ के बीच में कितना गहरा रिश्ता है और गलत किस्म का रिश्ता है। ये जो एससीजेड बनने वाला था 9 मार्च 2007 को,
एसटीजेड बनाने के लिए हरियाणा सरकार ने परमिशन दी, उसके एक महीना पहले 2 फरवरी 2007 को डीएलएफ वालों ने एक कंपनी बनाई, उसका नाम था डीएलएफ एसटीजेड होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, और उसी कंपनी में एक साल बाद रॉबर्ट वाड्रा जी 50% शेयर होल्डर बन जाता है। ही इज द मेजोरिटी शेयर होल्डर। जो एसटीजेड बनाने वाली कंपनी थी उस कंपनी के अंदर एक साल के अंदर रॉबर्ट वाड्रा जी 50% शेयर होल्डर बन जाते हैं। अगर आप इसके पेज नंबर 10 पे जाएंगे, जो डॉक्यूमेंट सभी आपको दिए गए, पेज नंबर 10 पे जो मार्क किया है इसमें लिखा शेयर इन डीएलएफ एसटीजेड होल्डिंग लिमिटेड 2.5 लाख रुपए के, 25,000 शेयर उन्होंने खरीदे, टोटल 50,000 शेयर इस कंपनी में थे, जिसमें से 25,000 शेयर रॉबर्ट वाड्रा जी ने खरीद लिए। लेकिन उसके एक साल के अंदर, एक साल बाद उन्होंने वो शेयर बेच दिए वापस किए लड़को। इस एक साल के अंदर रॉबर्ट वाड्रा जी ने किस तरह से क्या क्या फायदा पहुंचाया, ये जांच करने का विषय है। ऐसा तो नहीं कि 10 रुपए के शेयर खरीदे और 10 रुपए में बेच दिए। इतने बड़े बड़े लोग हैं, वो इतनी छोट, हम लोग तो ऐसा कर लेते हैं कि चलो थोड़ी बहुत बचत हो गई, खरीद लिए बेच दिए। इतने बड़े बड़े लोग 25,000 शेयर 10 रुपए के खरीद के 10 रुपए में नहीं बेचे। इसके पीछे कुछ ना कुछ तो कहानी है, और ये डेट जो मैच कर रही है एक दूसरे के साथ, ये भी अपनी कोई कहानी बयां करती है। 350 एकड़ जमीन 1700 करोड़ रुपए की, 350 एकड़ गुड़गांव की जमीन 1700 करोड़ की तो कुछ भी नहीं होती है, वो उठा के हरियाणा सरकार ने डीएलएफ को दे दी। किसानों से तो ली गई है 20 लाख रुपए एकड़ के हिसाब से, और डीएलएफ को दी 5 करोड़ रुपए एकड़ के हिसाब से। किसानों के साथ भी धोखा हो गया, किसानों को 5 करोड़ क्यों नहीं दिए गए? ये इसके ऊपर जब हमने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुद्दा उठाया था तो डीएलएफ ने जवाब भेजा था, उन्होंने कहा, और हुड्डा साहब ने भी, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा, जी इसमें तो इंटरनेशनल बिडिंग हुई थी, ये हमने डीएलएफ को सीधा सीधा नहीं दिया। अभी जो कागज हमारे पास आए उसमें पता चला हाँ इंटरनेशनल बिडिंग तो हुई थी, लेकिन उसमें 3 बिड आए थे। एक बिड आया था कंट्री हाइट्स का, एक डीएलएफ का और एक यूनिटेक का। तीनों बिडर्स के टेक्निकल बिड्स खोले गए, और खोलने के बाद ये डिसाइड किया भाई जिसका गोल्फ बनाने का एक्सपीरियंस नहीं उसको रिजेक्ट कर दो। तो डीएलएफ का केवल एक्सपीरियंस था, बाकी दोनों का नहीं था, तो दोनों को रिजेक्ट कर दिया, उनके फाइनेंशियल बिड्स खोले नहीं गए। भाई या तो आप कंडीशन पहले लगाओ टेंडर इन्वाइट करने के पहले, लेकिन टेक्निकल बिड खोलते वक्त अगर आप नई कंडीशन लगाते हो तो एक शक तो मन में आता है कि आपने तय कर लिया ठेका किसको देना है, फिर आप ढूंढ रहे हैं तरीका कि किस तरह से पार्टियों को डिस्क्वालीफाई करें। ये पेज नंबर 6 पे अगर आप आएंगे तो ये बिड जो खोले गए थे उसका लेखा जोखा है। इसमें इन्होंने लिखा है कि गोल्फ बनाने का एक्सपीरियंस, गोल्फ कोर्स बनाने का एक्सपीरियंस यूनिटेक को और कंट्री हाइट्स को नहीं था, इसलिए इन दोनों को हम खत्म कर रहे हैं, इन दोनों का हम बिड नहीं खोल रहे, फाइनेंशियल बिड खोले ही नहीं गए। लेकिन एक वेबसाइट से हमें पता चला कि इन दोनों कंपनियों के बिड डीएलएफ से कहीं ज्यादा थे, तो इस वजह से सरकार को नुकसान भी हुआ, सबसे सस्ते वाले को दे दिया जबकि सबसे महंगे वाले को देना चाहिए था। ये 350 एकड़ में 75 एकड़ जमीन जो है वो हुडा की थी। हुडा का क्या काम है? हुडा का काम है हरियाणा में आम लोगों के लिए फ्लैट बनाना, दुकानें बनाना, प्लॉट काटना। तो हुडा में ये जमीन 75 एकड़ जो जमीन है वो हुडा ने कुछ साल पहले गुड़गांव के किसानों से भूमि अधिग्रहण की थी, किसानों से दी गई थी। और किस कारण से दी गई थी, ये पेज नंबर 7 के ऊपर है। कहा सड़कें बनाएंगे आपके लिए घर बनाएंगे, नेमली फॉर द डेवलपमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड फॉर सेक्टर रोड बिटवीन सेक्टर 42-54 एंड सेक्टर 43-53 अलॉन्ग विद लैंड अंडर नागा क्रीक अलॉन्ग द अबाउ सेक्टर।
सड़क बनाने के लिए, नल्ला कवर करने के लिए इनके लिए जमीन दी गई है, और ये सारी की सारी जमीन उठा के डीएलएफ को दे दी। कोई सड़क नहीं बनाई गई, कोई नल्ला कुछ नहीं, कोई सेक्टर नहीं काटे गए, कोई घर नहीं काटे गए। तो ये तो धोखा हुआ सबके साथ, किसानों के साथ धोखा हुआ जिनकी जमीनें छीनी गई, और आम जनता के साथ धोखा हुआ जिनके लिए घर बनाने गए, और हुडा ने ये सारी की सारी जमीन उठा के और ये डीएलएफ को उठा के दे दी। बाकी 275 एकड़ जो जमीन थी, वो 275 एकड़ जमीन एचएसआईडीसी की थी। एचएसआईडीसी का क्या काम है? उनका काम है इंडस्ट्री के लिए प्लॉट काटना, नई फैक्ट्री को लगाना चाहता है उसके लिए प्लॉट काटना। एचएसआईडीसी ने 275 एकड़ जमीन वनों की जमीन, अरावली प्लांटेशन के अंदर जो जमीन थी वो सारी फॉरेस्ट लैंड ये कवर थी, जो कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के हिसाब से किसी भी नॉन फॉरेस्ट यूज के लिए नहीं हो सकती। वो सारी जमीन उठा के इन्होंने डीएलएफ को दे दी, और हरियाणा सरकार ने कहा कि आप चिंता मत कीजिए, आपको सारी सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन, ये जो इस्तेमाल नहीं हो सकती ये परमिशन हम लेके दे देंगे, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से भी ले देंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी ले देंगे, सुप्रीम कोर्ट से भी, परमिशन हम लेके देंगे। और परमिशन अभी आई नहीं थी, और 350 एकड़ जमीन उठा के उन लोगों को दे दी, पोजेशन उन लोगों को दे दिया। आखिर इतनी क्या बेताबी थी हरियाणा सरकार को डीएलएफ के लिए? एक और बात कह रहे हैं ना कि हरियाणा सरकार ने डीएलएफ को क्या फायदे पहुंचाए, फायदे पे फायदे बता रहे हैं। गुड़गांव मानेसर अर्बन कॉम्प्लेक्स प्लान 2025 ये अभी ऑपरेशन में है, ये अभी खत्म नहीं हुआ, लेकिन उसके पहले इन्होंने एक और प्लान बना लिया 2031 का, उसमें डीएलएफ का फेज 5 जो है, उस डीएलएफ के फेज 5 में पॉपुलेशन की डेंसिटी बढ़ा के 250 से 650 कर दी, जिसका मतलब कि एफएआर जो है वो कई गुना बढ़ गया। ये फायदा केवल डीएलएफ के लिए, पूरे प्लान के अंदर कई जगह उन्होंने थोड़ा थोड़ा पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ाया है, लेकिन 650 इतना हाई इंक्रीज उन्होंने कहीं नहीं किया, केवल डीएलएफ के फेज 5 में किया है, विच क्लियरली शोज कि ये डीएलएफ को इलीगल फायदा पहुंचाने के लिए किया गया। ये मानेसर के किसान खड़े हुए हैं, इनके साथ सबसे बड़ा धोखा हुआ। 2007 के अंदर इन्होंने नोटिस निकाला सरकार ने कि हम वहां पे सेक्टर काटने के लिए और अन्य काम के लिए जमीन अधिग्रहण करना चाहते हैं। जैसे ही नोटिस निकाला लोगों के अंदर अफरा तफरी मच गई। सरकार 12 लाख रुपए एकड़ का दाम दे रही थी, उस टाइम डीएलएफ की 6 फ्रंट कंपनियां, छोटी छोटी कंपनियां वहां पे किसानों से जमीनें खरीदने लगी, वो 20 लाख एकड़ दे रही थी, तो नेचुरली किसान जो है दौड़ा दौड़ा इन कंपनियों के पास जाएगा। उस टाइम मार्केट रेट बहुत ज्यादा था उसका, लेकिन किसानों के पास चारा नहीं था, जमीन अधिग्रहण होने वाली है, सरकार का डंडा सर पे है, कुछ किसानों ने फिर भी नहीं दी, तो सेक्शन 6 का नोटिस दे दिया, फिर सेक्शन 9 का नोटिस दे दिया, तो जितने बचे हुए किसान थे सब लोगों ने अपनी हार के इन छोटी छोटी कंपनियों को जमीन दे दी कि सरकार तो 12 लाख रुपए में लेगी, 20 लाख में दे देते हैं, लोगों को थोड़ा तो फायदा हो जाएगा। 26 अगस्त 2007 को अवार्ड का दिन था, जब सबको पैसे देने थे जमीन के, जमीन अधिग्रहण के, जमीन अधिग्रहण हो गई तो जमीन तो लोगों ने दी नहीं, सारी जमीनें कंपनी को दे दी। 2 दिन पहले फ्रॉड करके हरियाणा सरकार ने लैंड एक्विजिशन की प्रोसीडिंग कैंसिल कर दी। जब सारी की सारी जमीन इन 6 कंपनियों के पास पहुंच गई, उसके बाद सरकार ने वो लैंड एक्विजिशन की प्रोसीडिंग कैंसिल कर दी। ये क्लियरली दिखाता है कि हरियाणा सरकार जो है डीएलएफ की एजेंट बन गई है, वो सरकार जनता की सरकार नहीं बची है, वो डीएलएफ की एजेंट बन गई है। किस तरह से धोखा देकर लैंड एक्विजिशन की प्रोसीडिंग चालू की गई, और 6-7 महीने के अंदर जब सारी के सारे लोग डिस्ट्रेस सेलिंग जिसको कहते हैं, जब दौड़े इन कंपनियों के पास, और वो सारे ये लोग बेचारे हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट ने इसके ऊपर स्टे लगा दिया। मैं थोड़ा सा ध्यान आपका उस तरफ दिलाना चाहूंगा, डीएलएफ ने कुछ जवाब भेजे थे अभी कुछ दिन पहले, उन्होंने कहा था कि हमने कोई अनसिक्योर्ड लोन नहीं दिए हैं, अनसिक्योर्ड लोन नहीं दिए हैं। अगर आप पेज 11 पे आइए, पेज 11 पे साफ साफ लिखा है लोन फ्रॉम डीएलएफ लिमिटेड 5 करोड़, ये क्या है? और इसी का कॉरेस्पॉन्डेंस जो इन्होंने कंपनी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में फाइल किया उसमें लिखा है ये अनसिक्योर्ड लोन है। उसके बाद इन्होंने कहा
इन्होंने 50 करोड़ रुपए का एक एडवांस दिया है। कहते हैं ये 50 करोड़ रुपए का एडवांस तो हमने जमीन खरीदने के लिए दिया था, हम रॉबर्ट वाड्रा जी से जमीन खरीद रहे थे मानेसर की और हमने 50 करोड़ रुपए का एडवांस दे दिया। बहुत अच्छी बात है। पहली बात तो 90% 58 करोड़ रुपए, कहते हैं 58 करोड़ रुपए की जमीन थी, 50 करोड़ एडवांस दे दिया। वो एडवांस डीएलएफ के पास 2 साल तक पड़ा रहा और जमीन भी पड़ी रही, ना जमीन ली डीएलएफ वालों ने ना एडवांस वापस दिया। इतनी दलिया दिली तो हमने बिजनेस में कभी नहीं देखी। और कहते हैं आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल पे हम लोग काम करते हैं रॉबर्ट वाड्रा जी के पास। अगर आप पेज नंबर 13 पे देखेंगे इसमें लिखा एडवांस अगेंस्ट सेल ऑफ मानेसर लैंड, ये 31 मार्च 2010 का है। उसके बाद पेज 14 पे आएंगे ये 2011 का है, इसमें भी वो एडवांसेस रिसीव्ड में 58 करोड़ रुपए की वो जमीन है। और पेज 15 पे आएंगे तो इसमें आप देखेंगे लैंड एट मानेसर एज इट इज बरकरार है, वो उनके पास पड़ी हुई है लैंड। तो 2 साल तक आपने इंटरेस्ट फ्री पैसा दे दिया, आप उसको अनसिक्योर्ड लोन बोल लो, आप उसको इंटरेस्ट फ्री लोन बोल लो, आप उसको एडवांस बोल लो, शब्द जो मर्जी इस्तेमाल कर लो, कान को ऐसे पकड़ लो या वैसे पकड़ लो, बात तो वही है कि आपने 50 करोड़ रुपया दे दिया हमको, कह दिया भी इंटरेस्ट मत देना हमको और जैसे मर्जी इस्तेमाल कर लो। तो 2 साल तक ना इंटरेस्ट लिया और ना उनसे जमीन ली। अब ये 2011 तक का हमारे पास है, उसके बाद भी पता नहीं जमीन ली की नहीं ली, क्योंकि उसके बाद की वेबसाइट के ऊपर आरओसी की वेबसाइट पर इनकी बैलेंस शीट नहीं है। फिर ये 10 करोड़ लोन डीएलएफ ने, ये कई सारे लोन है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। ये जो कहते हैं ना अनसिक्योर्ड लोन नहीं दिया, ये अनसिक्योर्ड पे अनसिक्योर्ड लोन दे रहे हैं। हमने तो पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था 65 करोड़, अब जब और खोदने बैठे तो पता चला 65 नहीं है 85 करोड़ है, बहुत ज्यादा है। ये सारा आप एक एक करके पढ़ लीजिएगा, मैं सारा नहीं बता रहा। फिर ये कहते हैं अरालिया का जो अपार्टमेंट है जो रॉबर्ट वाड्रा जी अपने खुद के इस्तेमाल के लिए, ये कहते हैं कि ये अपार्टमेंट जो है ये तो इनकी बैलेंस शीट के हिसाब से ये 89 लाख में लिया गया है। ये कहते हैं नहीं 89 लाख में नहीं लिया, हमने तो 11 करोड़ का दिया इनको। तो ये बैलेंस शीट अगर आप देखें इनकी 16 पेज पे आ जाइए आप, अठारह नंबर पेज पे आप देखेंगे अरालिया अपार्टमेंट B1115 89,41,000। आप देख रहे हैं 18 पेज पे अरालिया नीचे मार्क किया हम लोगों ने अरालिया अपार्टमेंट B1115 89 लाख का। तो ये 89 लाख का इसमें था, इसमें सब सिग्नेचर है रॉबर्ट वाड्रा जी के नीचे कि 89 लाख का था अरालिया अपार्टमेंट। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अगले साल मार्च 2011 में इकोनॉमिक टाइम्स ने एक स्टोरी कर दी इनकी प्रॉपर्टीज को लेकर। बीजेपी के कुछ लोगों ने इसको संसद में उठाने की कोशिश की तो ये चौकन्ने हो गए। तो 2010-2011 का एंडिंग जो है उसमें इन्होंने 10 करोड़ रुपए इसके अंदर इंट्रोड्यूस कर दिए। पेज नंबर 17 पे अगर आप आएंगे, पेज नंबर 17 पे आप देखेंगे प्रॉपर्टी एट अरालिया एडिशन डिडक्शन 8.5 करोड़ रुपए इन्होंने इसके अंदर इंट्रोड्यूस। कहां से आए 8.5 करोड़ रुपए, क्यों इंट्रोड्यूस किए? डीएलएफ वाले तो कहते हैं हमने ये प्रॉपर्टी 2008 में बेच दी थी इनको, 2008 में पैसे हमने सारे ले लिए थे इनसे और इनको पोजीशन दे दी थी। तो ये 2010-11 के अंदर ये 8.5 करोड़ रुपए इस बैलेंस शीट के अंदर कैसे इंट्रोड्यूस कर दिए इस प्रॉपर्टी में? तो ये बेसिकली कागज पत्री ठीक करने के लिए किए उन्होंने। जब पकड़े गए इकोनॉमिक टाइम्स वालों ने पकड़ लिया तो फिर ये इनको ठीक करने में लगे। और मैग्नोलिया कहते हैं जी हमने तो इनको 10,000 रुपए स्क्वायर फुट पे बेचा था, 10,000 स्क्वायर फुट के हिसाब से तो एक फ्लैट की कीमत ही 5 करोड़ आती है, जबकि इन्होंने तो 7 फ्लैट बेचे हैं। बैलेंस शीट में पेज नंबर 19 पे साफ साफ लिखा हुआ है डीएलएफ लिमिटेड 7 फ्लैट मैग्नोलिया, 7 फ्लैट 5 करोड़ में बेचे हैं साफ साफ। या तो आपने किया आपने झूठी बैलेंस शीट फाइल की है, ये बैलेंस शीट में साफ साफ लिखा है डीएलएफ 7 फ्लैट डीएलएफ लिमिटेड 7 फ्लैट मैग्नोलिया। तो एक फ्लैट की कीमत में 7 फ्लैट इन्होंने बेची है। अब क्या होना चाहिए? हमने कुछ उदाहरण दिए हैं कि किस तरह से हरियाणा सरकार डीएलएफ को फायदे पहुंचा रही है, थोड़े से उदाहरण दिए हैं।
ऐसे ढेरों उदाहरण है। इतने फोन कॉल्स आ रहे हैं हमारे पास, जब से हमने पिछली कॉन्फ्रेंस किया इतने लोग कागज ले लेके फाइलें लेके आ रहे हैं। हम ही आज डिमांड करते हैं कि हरियाणा सरकार इसके ऊपर व्हाइट पेपर निकाले कि डीएलएफ को मौजूदा हरियाणा सरकार ने पिछले 10 साल के अंदर क्या क्या फायदे पहुंचाए हैं। मोटे मोटे तौर पे 5 तरह के फायदे पहुंचाए हैं। बहुत सारी जमीन डीएलएफ की कंपनियों के नाम पे रिलीज की गई है, पंचायतों की जमीन डीएलएफ की कंपनियों के नाम पे रिलीज की गई, गवर्नमेंट ऑफ एचआईटीडीसी की जमीन जो है वो डीएलएफ की कंपनियों को ट्रांसफर की गई है, डीएलएफ की कंपनियों के लिए एफआईआर बढ़ा दिया गया है और डीएलएफ की कंपनियों के लिए लैंड यूज बदल दिया गया है कई जगह। इन पांचों मुद्दों के ऊपर डीएलएफ की कंपनियों के क्या क्या फायदे पहुंचाए गए, इस पे हम लोग डिमांड करते हैं कि व्हाइट पेपर होना चाहिए। मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में था, अगर इतनी सारी इंफॉर्मेशन आ जाती ना तो ये कंपल्सरी केस था स्क्रूटनी का, और शायद झंडेवाला यूनिट जो है झंडेवाला वाले रेड मारते हैं, ये फिट केस था इनकम टैक्स की रेड के लिए। लेकिन जिस देश के वित्त मंत्री खड़े होकर कह रहे हैं कि भाई उन्होंने इनकम टैक्स का ठीक फाइल किया है, चिदम्बरम साहब इनकम टैक्स ऑफिस में क्या इनके रॉबर्ट वाड्रा जी, वो इनकी स्क्रूटनी करते हैं, वो इनकी असेसमेंट करते हैं क्या? इनकम टैक्स एक्ट के अंदर फाइनेंस मिनिस्टर को कोई पावर नहीं दी गई है, लेकिन वो एक मैसेज भेज रहे हैं नीचे के ऑफिसर्स को कोई कोई हिम्मत मत करना इनकम टैक्स रिटर्न को टच करने की। फाइनेंस मिनिस्टर जिस देश का खड़ा होकर कहते नहीं नहीं इसकी रिटर्न ठीक है, किस आईटीओ की हिम्मत है जो इसको छू देंगे, किस आईटीओ की हिम्मत है जो 143(2) का नोटिस भेज देंगे इनको स्क्रूटनी के अंदर, कोई हिम्मत नहीं कर सकता। ये फिट केस है रेड मारने के लिए, फिट केस है पूरी इंफॉर्मेशन जानकारी लेने के लिए। क्या रॉबर्ट वाड्रा जी ने भ्रष्टाचार किया, इसके लिए मैं शांति जी से निवेदन करूंगा कि वो इस पर रोशनी डालें। देखिए पिछली दफा जब ये बहुत से कागज रिलीज किए गए थे जिससे ये साफ पता चलता था कि डीएलएफ कंपनी ने डीएलएफ ने वाड्रा जी को बहुत फायदा पहुंचाया, बहुत बड़ा फायदा पहुंचाया, 300 करोड़ का फायदा पहुंचाया, तो सरकार के मंत्रियों ने कहा कि डीएलएफ कंपनी प्राइवेट कंपनी है, वाड्रा भी प्राइवेट पर्सन है, तो अगर उन्होंने फायदा पहुंचा दिया तो इसमें कोई जुर्म क्या बनता है जिसके बारे में हम कुछ एक्शन ले, तो ये हमने इस नोट में ये बात डाली है कि कैसे जुर्म बनता है। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में बहुत सारी धाराएं, हो सकता है कि सरकार के मंत्रियों ने सारी धाराएं न पढ़ लें, तो इसलिए हमने धारा 9 के ऊपर देश का ध्यान आकर्षित किया है जिसमें ये लिखा है अगर कोई प्राइवेट आदमी दूसरे प्राइवेट आदमी को कोई बेनिफिट देता है और उसकी मंशा यह है बेनिफिट देने से, ये बहुत असरदार आदमी है, इसका असर हमें कहीं मिल जाएगा, कोई सरकारी मदद देने से मिल जाएगा, तो इस तरह से प्राइवेट आदमी का प्राइवेट जने को रुपया देना भी दफा 9 में एक बड़ा संगीन जुर्म बनता है जिसमें कम से कम सजा 6 महीने की है और ज्यादा ज्यादा सजा 5 साल की है। अब ये कि अगर कोई सैकड़ों करोड़ रुपया किसी को दे रहा है तो इसमें क्या माना जाएगा, कॉमन सेंस किसी की क्या कहती है, किस लिए देगा, और जो ऐसा व्यक्ति है बड़ा असरदार, यानी जो यूपीए के चेयरपर्सन इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट का दामाद है तो पॉलिटिकली बहुत इन्फ्लुएंशियल है, तो अगर उसको कोई इतना बड़ा फायदा देगा तो ये जाहिर है कि वो इसी मंशा से देगा कि इसका हम किसी समय राजनीतिक फायदा, क्योंकि भाई इसका तो बहुत असर है केंद्र की सरकार पे, जो कांग्रेस की सरकार है सब पे फायदा उठाएंगे। अब ये कॉमन सेंस की बात, लेकिन इसको भी कानून में एविडेंस एक्ट में इस सेक्शन 114 जिसमें उन्होंने कहा है कि जब कुछ वाकयात ऐसे हों तो अदालत उसमें प्रेज्यूम कर सकता है कि क्या हुआ होगा,
जैसे आप कर सकते हैं, अदालत को भी अख्तियार दिया, अख्तियार दिया गया सेक्शन 114 एविडेंस एक्ट में कि सारे सर्कमस्टांसेस को देख के क्या हुआ होगा वो प्रेज्यूम कर सकता है। तो कोई भी अदालत जिसको ये पता लगेगा कि मुफ्त में डीएलएफ ने एक रॉबर्ट वाड्रा जो सोनिया गांधी के दामाद हैं, इनको अगर बहुत रुपया दे दिया, बहुत बेनिफिट दे दिया, तो किस लिए दिया होगा, किस मंशा से दिया होगा? उस मंशा के लिए प्रेज्यूम करेगा कोर्ट कि जरूर इन्होंने इनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को यूटिलाइज करने के लिए दिया होगा और वो बिल्कुल कानून जुर्म है। तो सरकार के मंत्रियों का ये कहना कि अगर कोई प्राइवेट इंडिविजुअल दूसरे प्राइवेट इंडिविजुअल को कोई फायदा पहुंचाता है तो इसमें कोई जुर्म नहीं बनता, ये बिल्कुल गलत है। जुर्म बनता है, दफा 9 का संगीन जुर्म बनता है और सेक्शन 114 एविडेंस एक्ट उसके बारे में साफ है कि क्या कोर्ट प्रिज्यूम करेगा। यही है, हमने इसमें स्पष्ट किया इस रोक। हमारे साथ किसान आए हैं, मैं ओम प्रकाश जी जो मानेसर से आए हैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो संक्षिप्त में। सरकार ने मानेसर में दिनांक 27 अगस्त 2004 को 912 एकड़ जमीन का अधिग्रहण के लिए सेक्टर की अनुमति जारी की। किसानों ने पुरजोर विरोध किया, किसानों ने अपनी आपत्ति दर्ज की जिस पर जमीन अधिग्रहण अधिकारी ने कुछ जमीन अधिग्रहण से मुक्त करने की सिफारिश की थी। इसके बावजूद भी सरकार ने वह जमीन नहीं छोड़ी और दिनांक 25 अगस्त 2005 को सेक्शन 6 के नोटिस 688 एकड़ जमीन की जारी कर दी ताकि किसानों में अधिग्रहण का डर भय आकर फैलाकर इनकी जमीन छीनी जा सके। सरकार ने इसमें से कुछ जमीन छोड़ दी जो यूनिटेक की थी, उन्होंने ऑलरेडी इसमें लाइसेंस ले लिया था, परंतु किसानों की जमीन सिफारिश के बाद भी नहीं छोड़ी। किसानों को अधिग्रहण का डर सताने लगा क्योंकि इससे पहले सरकार ने मानेसर में 654,000 प्रति एकड़ का मुआवजा दिया था। डीएलएफ ने अपनी सहयोगी कई छोटी छोटी कंपनियां बढ़ाकर सरकार से साठ गांठ कर अधिग्रहण का डर दिखाकर जमीन खरीदनी शुरू कर दी। ज्यादातर जमीन खरीद ली, कुछ किसानों ने जमीन नहीं बेची तो डीएलएफ ने दिनांक 2 अगस्त 2007 को सरकार से मिलकर इस जमीन के सेक्शन 9 के नोटिस जारी करा दिए। किसान डर गए, डीएलएफ की सहयोगी कंपनियों ने एक रेट बढ़ा दिए। इससे पहले जमीन 20-25 लाख रुपए में खरीद रहे थे, सेक्शन 9 के नोटिस के बाद उसी जमीन को 1 से 1.5 करोड़ रुपए में खरीदना शुरू कर दिया। जब ज्यादातर जमीन डीएलएफ और उसकी सहयोगी कंपनियों ने खरीद ली तो दिनांक 24 अगस्त 2007 को इस जमीन को अधिग्रहण से मुक्त कर दिया गया। हमें लगा हमारे साथ सरकार ने मिलकर धोखाधड़ी की गई है, अधिग्रहण का डर भय आतंक फैलाकर हमारी जमीन छीन ली। जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोएडा ग्रेटर नोएडा के किसानों की सुनी तो हम भी पिछले साल पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में गए। हमें दिनांक 17 दिसंबर 2011 को इस जमीन पर स्टे मिल गया। हमने स्टे की कॉपी उपायुक्त गुड़गांव डीसी गुड़गांव को दे दी, लेकिन डीएलएफ कंपनी ने आज तक भी इस जमीन पर काम बंद नहीं किया है और डीएलएफ कंपनी आज ही फ्लैट टू की बुकिंग जारी किए हुए हैं। हमारी जमीन अधिग्रहण का डर भय आतंक फैलाकर छीली गई। अधिग्रहण के नोटिस से पहले और अधिग्रहण के नोटिस के रद्द होने के बाद डीएलएफ और उसकी सहयोगी कंपनी ने यहाँ 1 भी एकड़ जमीन क्यों नहीं खरीदी? आईएमटी मानेसर के गांवों को एचएसआईडीसी द्वारा बंगला देसी घोषित कर दिया है। एचएसआईडीसी ने मानेसर की ज्यादातर जमीन खरीद ली थी जिसमें कुछ उद्योगों के लिए और 256 एकड़ रेजिडेंशियल सेक्टर बनाया, जिसमें एचएसआईडीसी के अधिकारियों ने काफी लूट मचाई। निचले कर्मचारी ना बोले उनकी लूट में शामिल रहे, उसके लिए इन अधिकारियों ने उनका मुंह बंद करने के लिए रेजिडेंशियल सेक्टर में सिड़कों के नाम से 10 एकड़ जमीन पर कर्मचारियों के लिए ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी बना दी, जिसमें सारे हरियाणा के एचएसआईडीसी के कर्मचारी शामिल कर लिए गए। इन सोसाइटियों में बढ़कर तैयार हो गई है, आज इनमें कोई कर्मचारी नहीं रहे, ज्यादातर बेचकर चले गए, यानी प्रॉपर्टी डीलिंग कर गए, जबकि मानेसर के गांव वालों के लिए कोई ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी नहीं दी गई। हमारी लाख विनती के बावजूद हमें किसी सोसाइटी के लिए जगह नहीं दी गई और कहा गया कि तुम्हारा यहाँ क्या काम है। उनके नजरे से ये मानेसर वाले बांग्लादेशी हैं, हमें किसी भी घुमालिक को और गांव के किसी भी भूमिहीन आदमी को सोसाइटियों में जगह नहीं दी गई। हरियाणा स्टेट एचएसआईआईडीसी का नाम था हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन,
जिसका नाम इन्होंने बदल के हरियाणा स्टेट कॉर्पोरेशन कर दिया। 350 एकड़ जमीन के बारे में अरविंद जी ने आपको तफसील से बता ही दिया। उसी गांव का निवासी हूं मैं जिस गांव की ये जमीन। इस जमीन को वजीराबाद गांव, इस जमीन को पहले अधिग्रहण किया हुड्डा अथॉरिटी, उसके बाद इसको ट्रांसफर कर दिया SSI IRPC और उन्होंने कर दिया डीएलएफ को। ये तो ही एक बात है, हमें मुआवजा तो कम मिला ही, दूसरा नुकसान हमारा और हो गया। ये जो जमीन डीएलएफ को दी गई है, एक पॉलिसी है सरकार की कि जिनकी भी जमीन एक्वायर होती है, सरकार लेती है, वहां जो सेक्टर बनता है उस सेक्टर में जिन किसानों की जमीन गई है उनको रहने के लिए प्लॉट दिए जाते हैं, हाउसिंग कोटे के प्लॉट होते हैं। अब वो जमीन तो दे दी डीएलएफ को, अब जो प्लॉट किसानों को मिल रहे थे वो प्लॉट भी नहीं मिल रहे हैं। उसके लिए किसान जा रहे हैं हाईकोर्ट, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ये फैसला है। हाईकोर्ट में कहा गया है कि इनको प्लॉट दिया जाए और इनकी बात सुनी जाए। हम एथॉरिटी के पास गए हाईकोर्ट की गाइडलाइन पे, एथॉरिटी ने हमें जवाब दिया कि हमारे पास जमीन नहीं है आपको प्लॉट देने के लिए, जब कभी जमीन होगी हम आपकी एप्लीकेशन दे देंगे। जब इन्होंने जमीन ही बेच दी, उसकी तिजारत कर रहे हैं, तो ये हमें प्लॉट कहां दे देंगे? हमारे यहां ढाणी सिस्टम है। ढाणी सिस्टम ये होता है कि जो आदमी अपने खेतों में मकान बना देते हैं और वहीं पे अपना रहते हैं और खेतीबाड़ी करते हैं, गांव में उनके पास जमीन कम होती है रहने के लिए, वो खेत में ही अपने जाकर बस जाते हैं। खेतों में इन्होंने कोई जमीन हमारे लिए रहने के लिए छोड़ी नहीं, पूरी जमीन एक्वायर कर ली। और जो हमारा हक था प्लॉट लेने का वो भी हमसे छीन लिया। अब ये बहुत से घोटाले क्या क्या कहते रहे, आप पीड़ुआ दिखाते रहोगे और हम बचते रहेंगे। सूदा सा काम यो है, कुछ हो जाए तो देख लो, ये देख गया यही बात है। रोना तो बहुत है, पूरा देश ना रो रहा, पूरा गुहान रो रहा, लेकिन बात ऐसी है कोई सुनने वाला नहीं। डीएलएफ को फायदा पहुंचा रहे, डीएलएफ को पहुंचा दिया फायदा, देती है अभी देखे आपकी बात का जवाब चिंता मिलेगा। ये देखिए SSIDC ने जब वो यूनिटेक कितना दे रही है और आपके बढ़ेरा जिनका आप समर्थन कर रहे हैं वो कितना दे, हमारे साथ होता हमें प्लॉट मिला दो, हमें ये तो ठग लिया है, पढ़ाई से रखवा दो। मैं बस लास्ट में एक दो चीजें कहना चाहता हूँ कि ये क्लियर किया जाए कि रॉबर्ट वाड्रा में और कांग्रेस में क्या रिश्ता है, क्योंकि एक तरफ तो कहते हैं भाई ये रॉबर्ट वाड्रा जी सेपरेट हैं, इनका कांग्रेस से रिश्ता नहीं है, सरकार से रिश्ता नहीं है, ये तो डीएनएफ और उनके बीच की बात है। लेकिन आज तक रॉबर्ट वाड्रा जी ने सामने आके लिखा कांग्रेस के लोग उनका बचाव कर रहे हैं, तो कांग्रेस वाले उनका बचाव क्यों कर रहे हैं? दूसरी बात की रॉबर्ट वाड्रा जी में और सरकार में क्या रिश्ता है? अगर तो ये प्योरली आर्म्स लेंथ के ऊपर एक बिजनेस डीलिंग है तो फाइनेंस मिनिस्टर खड़े होकर उनको क्यों बचा रहे हैं, लॉ मिनिस्टर खड़े होकर उनको क्यों बचा रहे हैं, और आज तो कॉर्पोरेट अफेयर मिनिस्टर ने भी उनको बचाने की कोशिश की, सारे मंत्री लगे हुए एक आदमी को बचाने के लिए। सलमान खुर्शीद जी ने कहा कि मैं सोनिया गांधी जी के लिए जान दे दूंगा, हमने जब उनको वोट डाला था हमने तो सोचा था शायद वो देश के लिए जान देंगे, अगर हमें पहले ही पता होता वो सोनिया गांधी जी के लिए जान देने वाले हैं तो शायद जनता उनको वोट ना करती। मोदी जी कह रहे हैं उनको इन 6 कंपनियों में कुछ दिखाई नहीं दे रहा,
इस देश की सारी जनता को दिखाई दे रहा है, मंत्री को दिखाई नहीं दे रहा। इस देश के ये जो मैंगो पीपल है ना, ये इन सारे शक्तिशाली लोगों के डूबने का कारण बनने वाले हैं बहुत जल्दी। हमने सुना एक कंपनी है बीपीटीपी, एक कंपनी है इंडिया बुल्स, बता रहे हैं उसमें बहुत बड़े बड़े लोगों के पैसे लगे हैं। आज आप लोगों के माध्यम से हम सारे टीवी चैनल को रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जरा जबरदस्त टिकट चला दीजिएगा इसके ऊपर कि बीपीटीपी और इंडिया बुल्स के बारे में जिसके पास सबूत है देश भर में सब लोग देख रहे हैं। मैं देश के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि अब समय आ गया इस देश की राजनीति बदलने का, और ऐसा लगता है जीएमआर भी शामिल कर लीजिए उसमें, वो कह रहे हैं जीएमआर को भी इसमें शामिल कर लीजिए। तो मैं देश के लोगों से अपील करना चाहता हूं, समय आ गया, बहुत हो गया। अब जैसे वो भाई बता रहे थे किसानों की व्यथा है जो ये बता रहे थे कि कुछ कर सकते हो तो कर दो, नहीं तो सारा देश लुट रहा है। तो अब समय आ गया, सब लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा। बहुत सबूत आ रहे हैं हमारे पास, आपके पास भी अगर कुछ है तो हमें जरूर भेजिएगा। और कल जो हम एक और खुलासा करने वाले थे उसको 16 तारीख को करेंगे। कोई क्वेश्चन अगर है तो जो लोग कानून को समझते हैं वो लोग ये कहते हैं कि भले ही जो प्राइवेट लोगों के बीच ट्रांजेक्शन हुए हैं जिनको प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत कवर नहीं किया जा सकता, लेकिन आप जो सबूत बना रहे हैं उससे कोर्ट चाहे तो सुप्रीम कोर्ट को नोटिस भी ले सकता है, लेकिन कोर्ट ने विभाग को ऐसा नहीं किया है। लेकिन क्या आप इन सबूतों के साथ कोर्ट मूव करेंगे ताकि कोर्ट पुलिस को डायरेक्ट करे इन्वेस्टिगेशन के लिए और फिर पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर फैसला हो? देखिए, हम सरकारों को इस देश में क्यों चुन के भेजते हैं? हम इसलिए चुन के भेजते हैं कि वो हमारे भले के लिए काम करेंगे। और सरकार चुनने के बाद एक के बाद एक भ्रष्टाचार करे, एक के बाद एक भ्रष्टाचार करे, अन्याय करे, लोगों का खून चूसे, और जब हम कहें भाई न्याय दो तो कहीं कोर्ट चले जाओ। कोर्ट जाना है कि नहीं जाना है हम सोचेंगे। अगर इन लोगों को ये सरकारें नहीं चला सकते, इनकी सीबीआई काम नहीं कर सकती, इनका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट काम नहीं कर सकता, इनका इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट काम नहीं कर सकता, ये लोग अगर काम नहीं कर सकते पहले ये लोग इस्तीफा दे दे, हुडा साहब इस्तीफा दे दे, मनमोहन सिंह इस्तीफा दे दे, उसके बाद हम सारे लोग देखने के लिए कोर्ट जाना है कि नहीं जाना। अरविंद जी आपके पास हिमाचल सरकार प्रियंका गांधी को लेकर के एक पत्र लिखा गया, क्या उसकी भी जांच पड़ताल आप लोग कर रहे हैं? प्रियंका गांधी हमने कल स्टेटमेंट जारी किया था, हमारे पास शांता कुमार जी का लेटर आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, कुछ लोगों ने मिलकर देश को लूट लिया है। और शिमला में भी उन्होंने कहा, मैंने सुना है शिमला में भी प्रियंका जी की कोई प्रॉपर्टी है जिसके बारे में मुझे नहीं पता, पर वो करोड़ों की प्रॉपर्टी है, आप उसको भी शामिल कर लीजिए। तो हमने उसके ऊपर एक स्टेटमेंट जारी किया था कि शांता कुमार जी की तो पार्टी की सरकार है हिमाचल प्रदेश के अंदर, वो चाहे धूमल साहब चाहे तो 2 मिनट के अंदर पता कर सकते हैं कि शिमला की कौन सी प्रॉपर्टी है। हमको सारे कहते हैं सबूत निकालो, वाले सबूत निकालते ना कांग्रेस वाले सबूत निकालते, कहते तुम सबूत निकालो, अरे सारी जांच एजेंसी तो तुम्हारे पास है, सारा ताम झाम तो तुम लोगों के पास है। हुकूमत साहब चाहे तो 2 मिनट में पता कर सकते हैं प्रियंका गांधी की कौन सी प्रॉपर्टी है। और दूसरा, हमने शांता कुमार जी से कहा कि सारे शामिल है, कांग्रेस शामिल है, तो हम मांग करते हैं धूमल साहब से कि आप तुरंत देश को बताइए कि प्रियंका जी की कोई प्रॉपर्टी है या नहीं है। और हमने सुना है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर बाहर के लोग प्रॉपर्टी नहीं ले सकते, तो प्रियंका जी को कौन सी सरकार ने इजाजत दी थी वहां प्रॉपर्टी खरीदने के लिए? अरविंद भाई, ये जैसे ही आपने रॉबर्ट वाड्रा वाला बताया सब लोगों को, पहले मतलब किया, उसके बाद सरकार के लोग बहुत से लोग सामने आ गए। अब किस बात की अब मांग कर रहे हैं आप? आगे क्या मांग कर रहे हैं? सरकार के लोग कह रहे हैं, नेता कह रहे हैं, प्रवक्ता कह रहे हैं, किससे मांग करें? हम क्यों मांग करें? इस देश की जनता मालिक है, हम इनसे मांग करने के लिए नहीं बैठे इस देश के अंदर है, यहाँ पे इनसे मांग करना बेकार है। मांग कर करके देख लिया 1-1.5 साल के अंदर, अब तो ये पूरा का पूरा व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है, अब तो इनको खोलना है, इनकी पोल खोलनी है इस देश के सामने। हम यहाँ पे पोल खोलने के लिए बैठे हैं इस देश के सामने, उनको बताने के लिए बैठे हैं। जैसे सुरेंद्र भाई साहब ने कहा कि सब कुछ लूट गया,
अब अगर इस देश की जनता जल्दी नहीं जागेगी तो कुछ बचने वाला नहीं है इस देश के अंदर, इसलिए बैठे हैं आपके सामने। लेकिन उनका जवाब है कि आप अपनी पार्टी बना चुके हैं, सस्ती लोकप्रियता के लिए ऐसा कर रहे हैं। ठीक है जी, हम सस्ती लोकप्रियता के लिए कर रहे हैं, हम पॉलिटिक्स के लिए कर रहे हैं, हम राजनीति के लिए कर रहे हैं, हम भ्रष्टाचार तो नहीं कर रहे। आपने तो सारा देश लूट लिया, कुछ तो शर्म करो। और सस्ती चीज तो हर आदमी खरीदता है। इन लेट मॉर्निंग विद द कांग्रेस वर्कर्स विद आईएससी वॉलंटियर्स, व्हाट डिड यू हियर? वाज देयर सम लीडरशिप पॉलिटिकल मोटिवेटेड और व्हाट इज द सिस्टम आई वाज नाउ? आई हर्ड दैट देयर वाज सम स्कैंडल एंड दिस इज बाउंड टू हैपन। हमने अपने सारे लोगों को कहा है कि इसके लिए तैयार रहिए, बिकॉज लोग गड़बड़ फैलाने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमें संयम बरतना है, हमें अहिंसा से रहना है। अगर कोई मारता है तो सामने खड़े हो जाओ, मार खा लो, लेकिन हाथ वापस मत लो। अरविंद, कल जो कल आप जिस तरह से मंच पर चढ़े थे, विजय गौड़े ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि पहले तो आपने उनसे अनुमति मांगी कि हम दो मिनट में बोलना चाहते हैं, उसके बाद बिजली के मुद्दे पर उन्हीं के मंच से उन्हीं के खिलाफ बातें की गई, उसके खिलाफ दिखाई है किसी के खिलाफ बात नहीं। उनका कहना यह है कि आप जो आरोप लगाने के पिछले तीन साल में एक बार भी बीजेपी ने उस इशू को रेज नहीं किया, दबा भी बैठी रही, ऐसा नहीं है। सबसे पहले हमारी तो एक ही बात है, दो क्वेश्चन है। बीजेपी ने संसद में और विधानसभा में तीन साल में इस पे प्रश्न क्यों नहीं उठाया? संसद को वो आए दिन बंद कर देते हैं, एक दिन बिजली वाले मुद्दे पे भी बंद कर देते हैं। दूसरा प्रश्न ये कि जो ऑर्डर है बरजिंदर सिंह जी का कि दिल्ली के अंदर 23% बिजली के दाम घटने चाहिए, उस ऑर्डर की एक कॉपी कांग्रेस के पास है, एक बीजेपी के पास है। मैंने ये भी विजेंद्र गुप्ता जी के पास पढ़ी है वो कॉपी, तो बीजेपी वाले उसको पब्लिक क्यों नहीं करते, कांग्रेस वाले उसको पब्लिक क्यों नहीं करते? देश के लोगों की जीत है, हमारी क्या जीत है? आज जो दो कनेक्शन हम जोड़ के आए थे, मेरे को तो ये लोग नहीं कुछ कर रहे, उन दोनों लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करा दी आज, ये तो गलत है ना। अभी अभी फोन आया था सेक्टर 20 की झुग्गियों में, जब हम जहां गए थे परसों, वहां पूरा दिन से उन्होंने जानबूझ के बिजली काटी हुई है। ये तो तानाशाही हो गई इन कंपनियों की। इन कंपनियों को भी हम कहना चाहते हैं कि ये थोड़ा सा संयम में रहें, इस तरह की अगर वो हरकत करेंगे तो फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगी। पूरा दिन से सुबह से वहां की झुग्गियों में की बिजली काटी हुई है, सबक सिखाने के लिए उस एरिया के लोगों को। जो करप्शन का अगर कोई केस बनता है तो उसको लेके आप कोर्ट जा सकते हैं, और एविडेंस एक्ट में उसका प्रोविजन है कि कोर्ट उसका कॉग्निजेंस ले सकता है। देन व्हाई डोंट यू अप्रोच द कोर्ट? बिकॉज इफ यू आर नॉट अप्रोचिंग द कोर्ट, इट इज इनवाइटिंग द एलिगेशन दैट यू ओनली बीइंग सेंसेशनलाइजिंग। इट्स नॉट अबाउट सेंसेशनलाइजिंग, इट इज अबाउट क्रिएटिंग एन अवेयरनेस अमंग द पीपल ऑफ दिस कंट्री। देश के लोगों को यह बताना है कि देश के अंदर क्या